जय श्री कृष्ण। आज हम बनाएंगे आंवला के लड्डू। आंवला फल कितना फायदेमंद है ये तो आप सभी जानते हैं। आंवला से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आंवला हलवा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, आंवले का अचार बनता है, आंवले की चटनी बनती है। आंवले को जिस भी रूप में हम खाते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो चलिए हम देखते हैं आंवले का लड्डू बनाने के लिए हमने क्या क्या सामान लिए है। ये हमने 300 ग्राम आंवले लिए हैं, ये 1.5 कप चीनी ली है, ये हमने आधी छोटी चम्मच नटमेग लिया है, और ये आधी छोटी चम्मच हमने इलायची पाउडर लिया है, और ये आधी कटोरी हमने काजू काट के ले लिए हैं, और ये आधी कटोरी बादाम हमने दरदरे पीस लिए हैं। चलिए अब हम आंवले के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। ये हम 1 कप पानी ले लेते हैं और इसमें आंवले उबालने के लिए रख देते हैं। आधा कप पानी और डाल देते हैं। अब आंवलों को हम 10 से 12 मिनट तक उबलने देंगे। इन्हें हम ढक के रख देते हैं। ये हमने आंवले ढक दिए हैं। आंवलों को आप चाहे तो माइक्रोवेव में भी पका सकते हैं। आंवलों को उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं और आंवले उबल भी गए हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं और इन्हें निकाल लेते हैं। आंवलों को आप लोहे और तांबे के बर्तन में मत उबालिएगा, क्योंकि आंवला उसमें रिएक्ट कर देगा और वो काला पड़ जाएगा। आंवलों को हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर इन्हें हम घिसेंगे कद्दूकस। आंवले ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें हम कद्दूकस कर लेते हैं। और बीज को हटा देते हैं। इसी तरह से सारे आंवले हम कद्दूकस कर लेंगे। ये सारे आंवले कद्दूकस कर लिए हैं, अब इन्हें हम भूनते हैं। ये हमने पैन ले लिया है और इसको हम डाल देते पैन में। और ये चीनी डाल देते हैं। गैस को हम लो मीडियम रखेंगे। चीनी मेल्ट हो गई है, अब इसे हम 2 मिनट और पका लेते हैं। इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे, घिससे क्या टेस्ट अच्छा आएगा। और घी डाल के अब इसे हम 2 मिनट और पका लेते हैं। ये हमारे आंवले पक गए हैं, अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। इसको हम इसमें निकाल लेंगे। Thank you.
और इसे ठंडा होने देते हैं। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब इसमें हम ये ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। ये हमने जो काजू काट के लिए थे वो हैं, और ये बादाम हैं, ये इलायची पाउडर और ये नटमेग पाउडर। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला देते हैं। अब इसको हम एक बार छू के देखते हैं। ये अभी हमें थोड़ा गर्म लग रहा है, हम इसके लड्डू बनाएंगे तो हाथ जलेंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा और होने देते हैं। अब हम इस बैटर को छू के देख लेते हैं, ये एकदम से ठंडा हो गया। अब इसके हम लड्डू बनाएंगे, हाथों को हम चिकना कर लेते हैं और इसके लड्डू हम थोड़े छोटे ही बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। हमारे सारे लड्डू बनके तैयार है। आंवला के लड्डू बनाना बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जब आप आंवले बॉईल करें तो उन्हें एक ज़्यादा बॉईल मत कीजिए, बस उन्हें थोड़ा नरम करने तक बॉईल कीजिए। और जब आप आंवलों को चीनी डाल के पकाते हैं तो उन्हें कंटिन्यू चलाते रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। यदि आपको ये लड्डू बनाने में कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।